अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्ला, आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्ला। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। यहाँ पे सेकंड लिखा था हमने, अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अच्छा जी, देखे हमने लिखा था, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी से, और इसकी टाइम टी, यानी कि टाइम टेकन टी के बाद एक जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वही फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वी एफ। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसका एक स्लोप था जिसको ए बी कहा गया, और वो एक्सेलरेशन के बराबर था। और ये जो ब्लू कलर का शेडेड एरिया है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके अंदर कि ये उसका कवर्ड डिस्टेंस है। इसी को हमने जो है वो एक ट्रेपीजियम के मदद से सॉल्व करना है। ये देखें, अब ट्रेपीजियम क्या होता है, सबसे पहले आप इसे देखें। ट्रेपीजियम वो होता है कि जिसकी दो लाइन जो है वो पैरेलल है, ठीक है, और एक लाइन उसकी जो है वो पैरेलल ना हो। यानी कि ये देखें ना, ये वाली लाइन इस तरह सीधी है और ये वाली इस तरह, तो ये पैरेलल नहीं, लेकिन ये वाली जो दो लाइन है ये पैरेलल है। जिस तरह आप लोग ये देखें, ये जो एक लाइन है ये ए और ये ए, इसको भी मैं ए देख लेता हूँ, ये ए दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल है, चाहे लाइन जो है वो छोटी बड़ी है लेकिन एक दूसरे के ये पैरेलल है। इसी तरह जो इसकी हाइट है, अगर ये देखें ये इस तरह को जा रहे हैं, तो ये वाली हाइट जो है ये इसके बराबर में नहीं आएगी। ठीक, देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोज करें तो यहाँ तक आएगी, इमेजिन करें यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये दो लाइन जो है ये पैरेलल है लेकिन ये नहीं है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब जितना एरिया है तो वही है ना जो डिस्टेंस कवर किया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एस। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फार्मूला है, पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, मैं लिखता हूँ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई उसकी हाइट, मल्टीप्लाई क्या उसकी हाइट, और डिवाइडेड बाय 2। ये उसका ट्रेपीजियम का फार्मूला, यानी कि ये जो फिगर है ना इसका ये फार्मूला है कि जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फार्मूला है। अब देखें, ये एस तो यहाँ पे ऐसे ही रहा, ये वाला एस जो है ये हमने यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही रखा। अब हमारे पास पैरेलल साइड कौन सी है, एक ये वाली सीधी लाइन और एक ये वाली सीधी लाइन, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये ए ओ, यानी कि ओ ए प्लस बी डी। तो प्लस क्या करेंगे, बी और डी, प्लस क्या करेंगे बी और डी, ऐसा ही है ना, ये हो गया। उसके बाद डिवाइडेड में 2 है, डिवाइडेड में 2 लगा दिया। अब उसकी हाइट कितनी है, अब हाइट हमने किसको कंसीडर किया, इसको। अगर आप इसको कंसीडर करेंगे, ये स्लोप है, स्लोप हमने अलहदा से फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इसको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास ये कौन सी लाइन है, ओ डी, ऐसे ही है ना, तो ओ डी के साथ हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद ओ डी हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला जो हिस्सा है ना हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 2s o a प्लस बी डी, इसको हम लिखा दिया ये ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पे लिख दिया ओ डी। हाँ समझ आ गई कि नहीं? अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे हम याद रखने के लिए कह देते हैं जी, ये है जी इक्वेशन 1। ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1। बात समझ आ गई कि नहीं? अब हम लोगों ने इस स्लोप को निकालना है, इस स्लोप को निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये जो स्लोप का फार्मूला है ये क्या है, चेंज, वो चेंज ही है ना, ऐसे ही है ना, चेंज इन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई एक्सिस। तो चेंज इन एक्स एक्सिस हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, देखें मल्टीप्लाई। अब हम लोगों ने ये तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बी सी, यानी कि ये वाली जो एरिया, ये वाला जो एरिया बी सी और ओवर ओ डी, ओवर में ओ ओवर डी। आप लोग ए सी भी लिख सकते हैं, ओ डी भी लिख सकते हैं। ये क्या बनेगा हमारे पास, अब ये चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, क्योंकि जहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस है, तो हमने ओ डी से लिया इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा नहीं बनेगा, ए के बराबर वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। देखे
ये वेलोसिटी में चेंज और डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए गौर करें, यहाँ पे बी सी ये वाली जो चीज है ये तो वेलोसिटी है ना, चेंज हो रही है वेलोसिटी, और ये टाइम, टाइम यूनिट ऑफ चेंज क्या बनेगा यहाँ पे? अगर मैं लिख दूँ ये हमारे पास स्लोप था, और स्लोप किसके बाद था? चेंज इन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास स्लोप ऐसे नहीं बना। देखिए जरा ये एक्सेलरेशन ये वाली बात की, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई ए सी ओवर में ओ डी, यहाँ में मल्टीप्लाई करवा दिया। देखें 2s मल्टीप्लाई बी सी ओवर में ओ डी, ठीक है। अब ओ ए प्लस बी डी ऐसे का ऐसे ही, ये वाला मल्टीप्लाई ओ और डी। अब मल्टीप्लाई हमने क्या करवाया था, बी सी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी सी ओवर ओ और डी। अब ओ डी के साथ ओ डी कैंसिल आउट हो गया, ओ डी के साथ हमारे पास क्या हो गया, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2s। ये बी सी ओवर ओ डी क्या है हमारे पास, ए, इसको हमने ए ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास आ गया ओ ए प्लस बी डी ऐसे का ऐसे ही, ये वाला हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर हमने क्या चेंजेस की, बी सी हमने ये वाला, यहाँ से स्लोप बन रहा है ना, तो बी सी में से अगर सी डी की वैल्यू निकाल दूँ तो हमारे पास ये बी डी की वैल्यू बन जाएगी। देखे सपोज करें, देखे अगर मैं ऐसे लिख दूँ बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी, तो ये हमारे पास ये नहीं बन सकता, बी बी सी में से अगर सी डी को निकाल दें तो हमारे पास ये बी और डी बन जाएगा, बी और डी, यानी कि बी डी किसके बराबर है, बी सी में से सी डी को निकाल दो, ठीक है, या बी डी में से अगर सी डी को निकालें तो हमारे पास बी सी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा बी सी माइनस सी डी, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने उस स्लोप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अप्लाई वैल्यूज, अप्लाई क्या करेंगे, वैल्यूज करेंगे कौन सी, फ्रॉम डायग्राम, यानी कि इस डायग्राम से हमने क्या करना है, वैल्यूज को निकाल लेना, यानी कि 2as वैसे का वैसे ही रहा, इसे को इधर मल्टीप्लाई करवा, 2as ऐसे का ऐसे ही रहा। अब ओ ए किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के, ओ ए किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के, ठीक है। प्लस बी डी किसके बराबर है, बी और डी किसके बराबर है, देखिए जरा बी डी किसके बराबर है, ये वाली फाइनल वेलोसिटी बन गई है ना, यहाँ पे देखें ये इधर भी तो वही वैल्यू है, पैरेलल नहीं है, यहाँ पे बी डी किसके बराबर है, बी और एफ के बराबर है, बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई हो गया, बी सी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, हमारे पास बी एफ के, तो ऐसे ही है ना, वी एफ के बराबर है, और सी डी हमारे पास किसके बराबर है, इनिशियल के माइनस वी आई के, यही तो वैल्यू बनी, ठीक है। अब आप लोग याद करें, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये वाला फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही वाला फार्मूला नहीं मार रहा, अगर ये वाला, इसको आप ए रखें, इसको ए रखें, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये वाला। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखें जरा, 2as हमारे पास है वी एफ का स्क्वायर माइनस बी आई का स्क्वायर, यही वाली वैल्यू नहीं बन रही, देखे ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं बन रही, तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इसको, कि ताकि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या किया था, एक्सेलरेशन में जिनके स्लोप से हमने फर्स्ट इक्वेशन को निकाला था, ठीक है, हमने ये भी चीज ऐसी रखी थी, डायग्राम भी सेम टू सेम ऐसी रखी थी, हमने सिर्फ इसके अंदर चेंजिंग की थी, फर्स्ट इक्वेशन में हमने स्लोप से निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन में हमने सबसे पहले इसको रेक्टेंगल का एरिया निकाला, उसके बाद ट्राइंगल का निकाला, दोनों को सम कर दिया, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तीसरे के अंदर हमने ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, उसके बाद ये वाला जो स्लोप का फार्मूला, यानी कि इसे एक्सेलरेशन बनाया, दोनों साइडों के ऊपर मल्टीप्लाई करवा के इसको भी सॉल्व कर दिया। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ का किया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। एक बार फिर से, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो आप हमारी मोटिवेशन के लिए और डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो मूविंग विद फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर होने वाला है, और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।